आज हम इस तरीके से बड़े साइज का बैग बनाना सीखेंगे। फ्रंट साइड, फ्रंट साइड में हमने यहाँ पे इसकी एक जिपर पॉकेट बनाई है बड़ी, वन पॉकेट। यहाँ ऊपर टॉप की तरफ से भी इसमें जिप लगी हुई है और अंदर देखिए काफी बड़े साइज का काफी ज्यादा स्पेस है इसके अंदर इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से इसकी साइड्स का डिजाइन आ जाता है। ये बॉटम वाइड, काफी वाइड इसका बॉटम बनता है। बनाने में बहुत ही आसान, सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से हमने इसे बनाया है। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। वैसे मैं आपको एक बार इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ, हाइट और विड्थ की, कितना बड़ा ये बैग बना है। बॉटम से अप्रॉक्सीमेट 7.5 इंच वाइड है और इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेट 11 इंच, और विड्थ में ये हमारा इस तरीके से बना है 16 इंच। तो काफ़ी बड़े अच्छे साइज का बना है। साइड्स बहुत इजी तरीके से हमने इसे बनाया है। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। क्विल्टेड पीस मैंने लिया है रेक्टेंगल, ऊपर कपड़ा, नीचे ऊपर मेन फैब्रिक, नीचे लाइनिंग और बीच में फॉर्म शीट, और उस पर सिंपल सिलाइयाँ लगाई हुई हैं ऐसे और ऐसे। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 22 इंच, 22 इंच इसकी विड्थ है, और इसकी लंबाई मैंने ली है, इसकी लंबाई है 29 इंच। इस तरीके से कोई भी आपके पास कपड़ा हो, सबसे पहले उसे सिलाइयाँ लगा के आपको रेडी कर लेना है। अब हम इसे फोल्ड करके इसे शेप देते हैं। 29 इंच है और इसे ऐसे ही मैं फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद पहले हम यहाँ से इसे नीचे की तरफ से शेप देते हैं। तो हमें लेना है 3.5 इंच बाय 3.5 इंच का ब्लॉक। तो 3.5 इंच आपको ऐसे लेना है, 3.5 इंच ऐसे अंदर की तरफ लेना है, इस तरीके से 3.5 बाय 3.5 इंच का ये ब्लॉक। इसकी कटिंग कर लीजिए, इस शेप को इस तरफ भी निशान लगा के हम कट कर लेंगे। थ्री पॉइंट फाइव इंच जैसे हमने इस तरफ शेप की थी, दोनों तरफ से हमारा कट हो गया। अब हम इसे ऊपर की तरफ से यहां से शेप देंगे। तो यहां से हमें लेना है 3 इंच का निशान मैं इस तरफ लगाऊंगी और इसे स्ट्रेट इसके साथ यहां पे मिला दीजिए। इसकी कटिंग कर लीजिए। तो 3 इंच लेना है, 3 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसे यहाँ पे इस तरीके से हम मिला देंगे। इसकी भी कटिंग कर, ये देखिए, तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब क्या था, अब हम इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने 2 पीसेस लिए हैं। इसकी विड्थ मैंने ली है 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 27 इंच। पहले स्ट्रैप को फोल्ड करके रेडी कर लेते हैं। तो 1 फोल्ड 2 फोल्ड और इसे फोल्ड करना है सिलाई लगा के, इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर ले। ये देखिए सिलाई लगा के मैंने दोनों स्ट्रैप रेडी कर लिया। अब हम स्ट्रैप को जोड़ लेते हैं। तो एक स्ट्रैप को इस तरफ आपको रखना है, यहाँ पे इस तरीके से रखिए, बीच में सेंटर से में यहाँ पे ऐसे रखना है, नीचे की तरफ से फोल्ड करना है इस तरीके से। सिलाई लगा के एक स्ट्रैप को इस तरफ और एक स्ट्रैप को इस तरफ अटैच कर, स्ट्रैप लगा ली, एक स्ट्रैप इस तरफ और एक स्ट्रैप इस तरफ। ये स्ट्रैप मैंने लगाई है यहाँ कॉर्नर से, यहाँ से मैंने लिया है 4.5 इंच, यहाँ से डिस्टेंस 4.5 इंच है और यहाँ से नीचे की तरफ 3.5 इंच पे रख के यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैप लगाई है। तो दोनों स्ट्रैप को इसी तरीके से लगाना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके लिए पॉकेट बनाते हैं। यहाँ हम पॉकेट लगाएंगे, तो इसे साइड पे रखते हैं। बनाने के लिए देखिए इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं, एक प्लेन का और एक प्रिंट का। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये मैंने लिया है 23 इंच और प्रिंट वाले की लंबाई मैंने ली है 9 इंच और जो प्लेन वाला पीस है उसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच। और हमें क्या चाहिए, और एक हमें जिप चाहिए इसके साइज की, एक इस साइज की हमें जिप चाहिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये रखा प्रिंट वाला, जिपर को रखना है इस तरीके से अंदर की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड करके यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा ली। अब ये दूसरे वाला प्लेन वाला पीस लेना है, इसे यहाँ पे रखना है इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली।
अब इसे भी सीधा कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा, ये देखिए ये मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा दिया और एक्स्ट्रा जिप को काट दिया। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को, इस कपड़े को इस यहाँ से इस तरीके से ऐसे मिलाना है, जो हमने प्लेन एक्स्ट्रा रखा था उसके हमारे ऊपर इस तरीके से पाइपिंग बन जाएगी। प्लेन हमने इसीलिए ऊपर रखा था, ये हमने रखा तो देखिए ऊपर की तरह हमारी ऊपर से फिनिश हो गया, इस तरीके से हमारी पॉकेट बन गई। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, ये पीस लिया इस तरीके से, ये जो कट वाला पोर्शन है यहाँ नीचे से इसे फोल्ड कर लीजिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया और इस कट वाले पोर्शन के ऊपर इसे आपको रखना है यहाँ पे पूरा बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, ये मैंने बिछा दिया। अब आपको दो सिलाइयाँ लगानी है, एक सिलाई लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर, ये जो पाइपिंग सी बनी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक सिलाई नीचे लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम ये एक्स्ट्रा बाद में काट देंगे। मैंने सिलाई लगा ली, एक सिलाई यहाँ ऊपर की तरफ और एक यहाँ नीचे की तरफ, तो ये मेरी पॉकेट अटैच होगी। अब हम इसे शेप दे देते हैं, तो इसे उल्टी तरफ कीजिए और ये जितना भी एक्स्ट्रा है इसे इसी शेप में कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारी पॉकेट लग गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ हमें जिप लगानी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस साइज की हमें जिप चाहिए, तो इस साइज की मैंने जिप ली है, ये जिप ली, इसे यहाँ पे रखना है इस तरीके से सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए, यहाँ पे रखा इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से सीधी तरफ कर लीजिए और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे दूसरी तरफ अटैच करना है, इसे इस तरफ को रखिए इस तरीके से, यहाँ पे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इसे इस तरीके से रखते हुए ऐसे करते हुए इस पे भी टॉप स्टिच लगा लिया। तो मेरी जिप इस तरीके से, देखिए मेरी जिप यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, दो सिलाइयाँ लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वन और यहाँ से लेके यहाँ तक टू, तो दोनों तरफ इस पे दोनों तरफ मैंने इस पे सिलाई लगा दी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब ये जो रफ एजेस है पहले हम इसे पट्टी से फिनिश कर देंगे, तो सिंपल स्ट्रेट पट्टी लिया है मैंने 2 इंच की, इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिंपल पाइपिंग से बनाते हुए, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हुए, इस ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों इस तरीके से पाइपिंग से फिनिश कर ली। ये देखिए ये रफ एजेस मैंने इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दी। अब हम इसका बेस बनाएंगे, तो यहां से इसे ऐसे पकड़ना है वन, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए वन, और फिर ये साइड पकड़नी है टू, यहां से लेके यहां तक, तो वन और टू दोनों सिलाइयां सिलाई लगा ली, यहां से लेके यहां तक इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब ये जो रफ एजेस हैं जैसे हमने ये पट्टी से फिनिश किया था, इसके लिए भी हम सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने यहाँ पे इस तरीके से पट्टी से, इसे भी फिनिश कर लीजिए दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए, हाफ नीचे हाफ ऊपर इस तरीके से पट्टी लगाते हुए, जैसे ये फिनिश किया है इसे और इसे दोनों साइड्स को फिनिश कर लीजिए। ये मैंने रफ एजेस को फिनिश कर दिया, इस तरफ भी, तो अंदर से देखिए प्रॉपरली फिनिश, सारे रफ एजेस मैंने फिनिश कर दिए हैं। तो किसी भी बैग के इस तरीके से रफ एजेस आप फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ जिप वाले पोर्शन की तरफ से, यहाँ से जहाँ से जिप लगी है यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया, सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे एक बड़ी जिपर पॉकेट बन गई, एक पॉकेट हमारी अंदर, यहाँ पे साइड्स इस तरीके से, बैक साइड, बॉटम देखिए इसका काफी अच्छा वाइड इसका बॉटम बनता है, साइड से इस तरीके से इसका डिजाइन बनता है, देखिए साइड्स बॉटम फ्रंट साइड, और काफी बड़े साइज में ये बैग बना है, देखिए इस तरीके से बनाने में बहुत ही आसान। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया।